हाय, मैं मुंबई से शर्मिष्ठा कावलकर बोल रही हूँ। मैं मेरे भाई के बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा भाई पिछले 10 बरस से अटैक्सिया SCA Level 1 बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मैं उसको अमेरिका से मुंबई में लेके आई। मुंबई में मेरे पास रखा बहुत दिन, बहुत कुछ उपचार किया, उसको फिजियोथेरेपी दिया, उसको डॉक्टर ने दिखाया, उसको आयुर्वेदिक करवाया, एलोपैथिक में कोई उसका उपचार नहीं है। करते करते मैं ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मेरे पास हो। ये 3 सालों में मैं बहुत ढूंढा इधर किधर रख सकते हैं, असिस्टेड होम केयर जिधर उसका पूरा ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि मैं, मेरा फैमिली है, मेरा काम है, वो सब छोड़ के पूरा टाइम मेरा भाई को मैं नहीं दे सकती। मेरा भाई 49 ईयर्स ओल्ड है, तो वो जब भी इधर आया तभी वो समथिंग अराउंड 47 ईयर्स ओल्ड थे। फिर मैंने ढूंढते ढूंढते मेरा एक फ्रेंड के थ्रू से मैं, मेरे को एकता केयर होम फाउंडेशन इसका ठिकाना मिले। ये एकता केयर होम फाउंडेशन बड़ौदा में है, मुंबई में नहीं। तो मुंबई से बड़ौदा थोड़ा टाइम लगता है जाने आने में, तो मैं चिंता कर रही थी कि लेके जाओ, कैसे जाओ, कभी जाओ। ऐसे करते करते मैं फाइनलाइज़ किया लास्ट दिसंबर 25th of December 2020, तभी मैं मेरे भाई को एकता केयर होम फाउंडेशन में लेके गई और उसको उधर रखी। द मोस्ट इंस्पायरिंग एंड द मोस्ट व्हाट टू से, द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग इज़ दैट कि उधर रखने के बाद खाली उसका फिज़िकल नहीं, फिज़िकल, मेंटल सब कुछ उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। एकता केयर होम फाउंडेशन का जो मेन इंचार्ज है, जो सब कुछ देखभाल करती है, वो है एकता कोटक। उसका एक्सपीरियंस, उसका प्यार, उसका लॉयल्टी, और खाली एकता ही नहीं, उसके साथ उसका मम्मी, उसका ऑल कॉलीग्स एंड रिलेटिव्स, जो जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, सब लोग इतना करते हैं पेशेंट्स लोगों के लिए। दे डोंट ट्रीट पेशेंट्स एज पेशेंट्स, दे ट्रीट पेशेंट्स एज देयर ओन रिलेटिव्स, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट, जो मैं ही नहीं दे सकी मेरा भाई को मेरे पास रख के। वो बड़ौदा में जाके उसको सब कुछ मिला, नॉट ओनली फिजिकल फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिंस एंड एवरी टाइम केयर, नॉट ओनली दैट, एवरीथिंग, खाना पीना, उसके साथ गप्प मारना, उसको गाना सुनाना, उसके साथ खेलने का, उसको खेलते खेलते एक्सरसाइज करवाने का, एवरीथिंग एकता और उसका पूरा परिवार जान प्राण से कर रहे हैं। आई विश एकता केयर होम फाउंडेशन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल जर्नी अहेड।